Friends, welcome to the channel Advanced Excel for Advancement Classes. Today we will cover chapter number 19 and the chapter name is Scenario Manager. So दोस्तों start करने से पहले आपको मैं clear कर दूं कि जो video है end तक देखिएगा ताकि आपको हर एक part clearly समझ आ सके. So start करते हैं. आपने एक data prepare करा जो कि data आपको दिखाना था आपने manager को. Data में आपने manufacturing cost दिखाई, sale price दिखाई and profit भी आपने पूरा दिखाया. मींस आपने नॉर्मल कॉस्ट पे वो शो करा, बट जैसे आपके मैनेजर ने वो डेटा देखा तो आपके मैनेजर ने बोला कि नहीं, इसके अंदर मुझे हो सकता है इसमें मिनिमम कॉस्ट पे मुझे देखनी हो या हो सकता है मुझे मैक्सिमम कॉस्ट भी देखनी हो. मींस वो अगर मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग देखना चाहे तो आपको 55,000 दिखाने पड़ेंगे, हो सकता है सेल प्राइस वो मैक्सिमम देखना चाहे तो आपको 17,000 आपको शो करना हो. मीन्स उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब वो बोले मिनिमम तो मिनिमम वैल्यू शो हो, अगर वो बोले मैक्सिमम तो मैक्सिमम वैल्यू शो हो. तो इस केस में आपकी जो हेल्प करेगा वो हेल्प करेगा सिनेरियो मैनेजर. सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं. देख सकते हैं डेटा आपके सामने है जो कि मैंने अभी आपको पहले दिखाया था, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 10,500 एंड द सेल प्राइस इज 15,000 और उसमें प्रॉफिट है हमारा 4,500. अब मुझे इसके अंदर मिनिमम वैल्यू देनी है और मैक्सिमम वैल्यू देनी है. तो इसके अंदर सिनेरियो का ऑप्शन, सिनेरियो मैनेजर का ऑप्शन कहाँ पर आता है? डेटा रिबन पे जाना है आपने, व्हाट इफ एनालिसिस पे जाना है और सिनेरियो मैनेजर पे क्लिक करना है. जैसे आप सिनेरियो मैनेजर पे क्लिक करेंगे एक विंडो ओपन होगी जिसमें आपको ऐड का ऑप्शन दिखेगा. उस ऐड ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है. जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे सिनेरियो नेम मांगेगा, तो मैं नेम यहाँ पर देता हूँ मिनिमम कॉस्ट और यहाँ पर वो चेंजिंग मेरे को सेल सेलेक्ट करने होंगे. चेंजिंग सेल मेरे है ये, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा. सेलेक्ट करने के बाद अब मैं इस पर प्रेस करूँगा ओके. देख सकते हैं अब जैसे ही मैं ओके प्रेस करूँगा इसके अंदर वो सेल जो मैंने सेलेक्ट करे थे उसकी वो रेंज मांगेगा. मिनिमम मेरी कॉस्ट क्या थी? 55,500 एंड मेरी सेकंड वैल्यू थी 7,000. क्लियर है? अब मैं इस पर ओके पे प्रेस कर दूंगा तो सिनेरियो मेरा क्रिएट हो जाएगा. ये सिनेरियो अगर ऐड पे भी क्लिक करूँगा मेरा ये वाला सिनेरियो तो क्रिएट हो जाएगा, साथ में दूसरे सिनेरियो के लिए एडिटिंग भी आ जाएगी. मैं ऐड पे क्लिक करूँगा, देखिए दूसरा सिनेरियो आ गया. मैं यहाँ पे दे दूँगा मैक्सिमम कॉस्ट, वही रेंज मेरी सेलेक्ट है ऑलरेडी. मैं इस पर ओके पे प्रेस करूँगा, इसके मांगेगा प्राइस. ये मैंने लिखा यहाँ पे 15,000 क्योंकि मैक्सिमम यही था, मैक्सिमम में सेल प्राइस था मेरा 17,000. क्लियर है? अब मैं ओके पे प्रेस करूँगा, देखिए यहाँ पे दोनों आ गई मिनिमम और मैक्सिमम. अगर मैं देखिए मिनिमम कॉस्ट पे क्लिक करता हूँ शो पर तो देखिए ये मिनिमम शो कर रहा है, मैक्सिमम पे क्लिक करता हूँ तो ये मैक्सिमम शो कर रहा है. क्लियर है? अब इसको अभी मैं क्लोज कर देता हूँ. मैं यहाँ पर जो मेरी पहले वैल्यू थी मैं वही लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि क्लियर रहे. अब क्या करना है आपने, व्हाट इफ एनालिसिस पे दोबारा जाना है, सिनेरियो मैनेजर पे क्लिक करना है. आपको जो सिनेरियो ऐड करना तो आ चुका है, देन अब आपने क्या करना है, समरी पे क्लिक करना है. जैसे आप समरी पे क्लिक करेंगे सो दोस्तों देख सकते हैं ये रिजल्ट सेल मांगेगा. रिजल्ट सेल ध्यान रखिएगा, जो आपका रिजल्ट होगा उस पर क्लिक होना चाहिए. मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ऑलरेडी क्लिक होगा, आप क्लिक कर सकते हैं. देन क्लिक ऑन ओके. देखिए जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ओके पर मेरी करंट वैल्यू सामने आ चुकी है, मिनिमम कॉस्ट सामने आ चुकी है, मैक्सिमम कॉस्ट भी सामने आ चुकी है. मींस सारा डेटा मेरे सामने है. क्लियर है दोस्तों सिनेरियो ऑप्शन? ऐसी कई सारी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ध्यान रखिएगा अगर आपको कोई इश्यूज़ आते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं. तो थैंक यू सो मच.